औरंगाबाद में बड़ी लूट की घटना, दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में हुई 15 लाख की लूट, नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम, फैली सनसनी। बिहार के औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिसिया चुस्ती को धत्ता बताते हुए बाइक सवार नकाबपोश तीन अपराधियों ने हथियार के बल पर एक ज्वेलरी दुकान से लगभग 15 लाख के जेवरात लूट की घटना को अंजाम दिया है। माँ दुर्गा ज्वेलर्स नाम की यह दुकान विकास सोनी की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नकाबपोश तीन अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में घुसे और दुकान में घुसते ही पिस्टल के बल पर दुकान में मौजूद लोगों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसका विरोध स्वर्ण व्यवसायी विकास सोनी ने किया। तब पिस्टल के बट से मारकर एक अपराधी ने उसे घायल कर दिया और कैश काउंटर में रखे रुपए के साथ साथ जितने भी जेवर थे सभी लूटकर बाईपास की तरफ भाग निकले। उधर घटना की सूचना मिलते ही एएसपी सह सदर एसडीपीओ स्वीटी सहरावत के नेतृत्व में नगर थानाध्यक्ष सतीश बिहारी शरण दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे और मामले की तहकीकात की। इस दौरान एएसपी व नगर थानाध्यक्ष द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल अपराधियों की कोई पहचान न हो सकी है, जिसकी पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। उधर जिला के सभी थाने को हाई अलर्ट कर दिया गया है और मुख्य मार्ग तथा मुख्य मार्ग से जुड़ने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया है और लुटेरों को पकड़ने हेतु जबरदस्त चेकिंग चलाई जा रही है। समाचार प्रकाशित होने तक औरंगाबाद पुलिस को इस मामले में कोई सुराग नहीं मिल पाई है, न ही लुटेरे की पहचान हो सकी है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए औरंगाबाद से दीनानाथ मवार की रिपोर्ट। कैसे हुआ घटना? हम अंदर बैठे हुए थे और अचानक मतलब तीन व्यक्ति आए और कमर में से निकाले और क्या निकाले? बंदूक निकाले और उसके बाद हमको यहाँ पे मारे उसी से, और जो सामान था वो अपने खुद से और निकाल करके सब भरने लगे बैग में। और उसके बाद फिर हम जब मतलब हाथ 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 वो करने लगे, हटाने लगे, तो फिर हम पे फायरिंग भी की। अच्छा, सब ले फायरिंग ऊपर फायरिंग का गोली भी मिला। हाँ, उसका है वहाँ। तो जब उन लोग निकलने लगा तब क्या किए? जब उन लोग निकलने नहीं लगा, हम नहीं होता है कि हाथ से उन लोग को धक्का दे कि हम निकलना चाहिए कि हल्ला करेंगे, तो फिर हमको मुँह दबाने लगा। उसके बाद फिर भी हम उसको करके और आगे काउंटर से आगे आए, उसके बाद फिर हम पे फायरिंग किया और उसके बाद फिर तुरंत बैग लेके निकल गया। किसी की पहचान हुई है क्या? पता नहीं। लगभग कितने का सामान चोरी हुआ होगा? बारह पंद्रह लाख का होगा। क्या क्या था उसमें? अंगूठी था, लॉकेट था और भी चांदी का सामान था। किसी पे कोई आपको शक वगैरह?